हमको क्या चाहिए, हमको ये अगर समझ आ जाए हम माइंड के लेवल पे बंधे क्यों हुए हैं, कभी सोचा है कि हम बंधे हुए हैं? इसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, किसी भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, लाइफ में दुख है, तो इसको मतलब बंधे हुए हो। दुख में और दर्द में फर्क समझ आ रहा है? दर्द मतलब फिजिकल पेन, ये दर्द है। दुख मतलब क्या? ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, दुखी है जी, डिप्रेस्ड है जी, स्ट्रेस्ड आउट है जी, वो दुख है। समझ गया ना? दुख मतलब किसकी वजह से? मेंटली आप बंधे हुए हो। जानवर दुखी नहीं होते हैं, दर्द होता है उनको। तो मैं दर्द की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुख की। पहले स्टेप में हमको यह देखना है कि हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं। फिर हमको देखना है हम उससे फ्री कैसे हो सकते हैं। फिर यह समझना है कि हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है एक इंसान के लिए। जैसे पक्षी के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? उड़ जाना। इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के लिए क्या है, कभी सोचा है? फ्रीडम फ्रॉम दैट मेंटल बॉन्डेज है कि नहीं? That is the highest possibility for a human being. इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा डीप हो गया है, आ रहा है पकड़ में, आ रहा है? ये हमको समझ आ रहा है कि हमने मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे अपने आप को बांधा हुआ है। कैसे बांध दिया हमने अपने आप को? हाँ, और लोगों ने हमको बांध दिया। लेकिन अगर हम फ्री होना चाहें अभी इस मूवमेंट में, तो हमको कौन रोक रहा है? अगर मैं बंधना नहीं चाहता तो आप आ जाओ, या कोई भी आ जाए मेरे को बांधने के लिए माइंड के लेवल पे। फिजिकली तो आप बांध सकते हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, क्या वो बांध सकते हैं? अगर मैं नहीं बनना चाहता तो हाँ। और अगर मैं रेजिस्ट ना करूं तो कोई भी आके बांध सकता है कि नहीं? तो माइंड के लेवल पे कैसे बंधे हुए हैं? आपने एक बात बोली कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं। क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं, या इस गलत फहमी से हम बंधे हुए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज मतलब घोसला, यानी कि पैसा, कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग? पैसा नहीं बांधता है, चीजें नहीं बांधती हैं। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घोसला नहीं बनेगा, घोसला नहीं बनेगा तो आप रेस्ट कैसे करोगे, सिक्योर कैसे फील करोगे, माइंड पीसफुल कैसे होगा? तो पैसा नहीं बांधता है हमको। हमारा ये गलत बिलीफ कि मनी इज द ओनली आंसर, हमारा ये गलत बिलीफ कि घोसला ही उड़ान है, कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो आप लोग? डीपली अपने अंदर झांक करके देखो कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं जाकर के नहीं बन जाते हो? जहां से भी ज्यादा पैसा मिलता है उसके लिए अगर वो लोग आपको बांध भी देते हैं तो क्या बनने के लिए तैयार नहीं हो? आ गई ना बात पकड़ने? आई। अब अगर हमको ये समझ आ गया हम किस वजह से बंध रहे हैं, तो ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि हम कैसे फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री हो सकते हो तो अभी हो सकते हो। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि 20 साल बाद मैं फ्री होऊंगा। और फ्री होने का तरीका क्या है? हम बंधे किससे हैं? अपनी ना समझी से नहीं बंधे हैं। क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात लॉजिकल है या बकवास है? जो दुनिया बात करती है क्या वो लॉजिकल है या बकवास है? ये बात हमको पता है डीपली या नहीं पता है? कि अगर आपके पास एक महंगा मोबाइल भी आ गया तो ऐसा क्या है जो आप 50,000 वाले फोन से कर सकते हो जो 5,000 में नहीं कर सकते? स्टेटस। हाँ, और वो स्टेटस क्या लॉजिकल है? बकवास है। लेकिन हम जीते किसके लिए हैं? बंधे किससे हो आप? स्टेटस से बंधे हो। ये बात अगर धीरे धीरे आपको समझ आने लग गई ना, तो यहां से शुरुआत हो जाएगी आपके फ्री होने की।